वेलकम बैक फ्रेंड। तो आज हम लोग हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। वैसे तो दो सप्लाई होती है हमारे पास, एक एसी होती है और एक डीसी होती है, और दोनों को अगर हाई कर दिया जाए तो ओवरऑल चार हो जाएंगे हमारे, हाई वोल्टेज एसी और हाई वोल्टेज डीसी। तो थोड़ा सा देखते हैं डिफरेंस क्या है, हाई वोल्टेज डीसी क्यों यूज़ किया जाता है और हाई वोल्टेज एसी की यूज़ करने का क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका यूज़ जो होता है, अगर हमें बहुत बल्क पावर, अगर हमें बहुत ही लंबी दूरी तक अगर हमें भेजना है, सपोज़ अगर 600 किलोमीटर से हमारी लंबी लाइन है और बहुत ज़्यादा पावर भेजना है, सपोज़ 400 KV से ऊपर की अगर हम बात करते हैं, 400 या 765 या फिर 1200, इस टाइम लेटेस्ट में 1200 का सेंडिंग हो रहा है हमारे, मतलब ट्रांसमिशन लाइन इंडिया में, और तेलंगाना में जो है 1200 से ऊपर चल रहा है इस टाइम लेटेस्ट में। तो हाई वोल्टेज डीसी का बस एडवांटेज यही है कि अधिक से अधिक पावर को आप एक डिस्टेंस, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी लॉस के। इसमें कई तरीके के जो लॉस होते हैं वो होंगे नहीं होते हमारे हाई वोल्टेज डीसी में। तो ये बल्क पावर को क्या करेगा हमारा, ट्रांसफ़र करेगा लॉन्ग डिस्टेंस। और इसमें क्या होता है, स्पेशली जो हाई वोल्टेज डीसी होती है ये इकोनॉमिकल जो होता है हमारा, 600 किलोमीटर से अगर ऊपर हम लोग यूज़ करते हैं, यदि हमारी ट्रांसमिशन लाइन 600 किलोमीटर से ऊपर है तो ये हमारा इकोनॉमिकल होगा उस केस में हाई वोल्टेज डीसी। अगर लेकिन 600 से अगर हमारा कम है डिस्टेंस, अगर हमारी कम है और उस केस में हम लोग हाई वोल्टेज डीसी यूज़ करेंगे तो हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं होगा। हालांकि लॉस तो नहीं होंगे, लेकिन जो डीसी होता है थोड़ा सा उसका प्रारंभिक जो कास्ट होता है या इनिशियल कास्ट जो होता है वो थोड़ा सा अधिक होता है। तो हम कभी भी लो डिस्टेंस पे नहीं यूज़ करेंगे, हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक दूरी हो। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है हमारा कि इकोनॉमिकल हमारा हाई वोल्टेज डीसी कब होगा, तो 600 किलोमीटर से ऊपर होना चाहिए हमारी लाइन। और ये देखिए ओवरहेड के लिए है, अगर ये ओवरहेड के लिए पूछता है तो उस केस में है, लेकिन यदि हम अंडरग्राउंड में अगर यूज़ करते हैं हम लोग हाई वोल्टेज डीसी, तो अंडरग्राउंड के लिए जो होता है वो हमारा 50 किलोमीटर से अधिक होना चाहिए जो दूरी होती है, इससे कम होगा तो वो भी ना इकोनॉमिकल नहीं होगा हमारे लिए। अब देखिए एसी क्या होता है, एसी में हम जानते हैं कि प्रत्येक माइक्रो या मिली सेकेंड में जो उसकी डायरेक्शन होती है वो कभी प्लस होती है और कभी माइनस होती है। तो इस कारण जो होता है अपना फिक्र, मतलब जो डायरेक्शन होता है वो चेंज करता रहता है, और इस केस में जो लॉस होता है वो लॉस जो होता है वो हीट के रूप में होता है। और डीसी में क्या होता है कि पर्टिकुलर एक मैग्नीट्यूड होती है और एक डायरेक्शन होता है, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो यहाँ पर जो लॉस होता है थोड़ा सा कम हो जाता है। हालाँकि लॉस यहाँ पर भी होता है लेकिन बहुत ही कम हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ से जो दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि ओवरहेड के लिए कब इकोनॉमिकल होगा और अंडरग्राउंड के लिए हमारा कब इकोनॉमिकल होगा, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं हाई वोल्टेज डीसी जो होता है ये वर्क कैसे करता है, यदि अब इसकी हम थोड़ा सा वर्किंग देखते हैं, वर्किंग कैसे करता है। तो सपोज़ थोड़ा सा बेसिकली हम देखते हैं, हमारा ये जनरेटिंग स्टेशन है हमारा, और इस जनरेटिंग स्टेशन से हम लोग एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, जो ट्रांसफार्मर होगा वो हमारा स्टेप अप होगा, और स्टेप अप के बाद यहाँ पे हम लोग जो है रेक्टिफायर यूज़ करेंगे, रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर क्या करेगा कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा, हाई एसी को, यहाँ पे जो है रेक्टिफायर जो होगा हाई वोल्टेज की एसी को हाई वोल्टेज की डीसी में कन्वर्ट करेगा। और यहाँ पे ये है हमारी ट्रांसमिशन लाइन, और यहीं पे हमारा हाई वोल्टेज जो डीसी पावर है वो हमारा ट्रांसमिट होगा। और ये जो दूरी हम बताएं 600 किलोमीटर से ऊपर होना चाहिए ओवरहेड के लिए, तो ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है। और यहाँ पे हमारा सेकेंडरी साइड में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग इन्वर्टर यूज़ करेंगे, और इन्वर्टर क्या करता है डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, और एसी में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर हम ट्रांसफार्मर लगा देंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देंगे। देखिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के यहाँ पे कंज्यूमर के लिए हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कन्वर्टिंग जो होता है हमारा, ये रेक्टिफायर था,
और ये रेक्टिफायर था जो एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, और ये हमारा इन्वर्टर था जो डीसी को एसी में कन्वर्ट किया। तो जो बीच का मीडियम है वो डीसी है, लेकिन प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड देखें तो एसी है, और एसी होना ज़रूरी भी है क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होता है वो एसी को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकता है, और यहाँ पे भी एसी को स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा। तो एसी जो होना होगा वो दोनों साइड इक्वल होगा, या फिर बोले सेम पावर होना चाहिए, हमारा सेम पावर या एसी का मतलब सेम पावर होना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप अप और स्टेप डाउन जो है डीसी को नहीं कर पाएगा, एसी को करेगा। तो ये एक सिंगल लाइन डायग्राम दिखाया गया है कि कैसे हमारा जो होता है हाई वोल्टेज डीसी को हम लोग कैसे ट्रांसमिट करते हैं। अगर अगर इसका स्पेशल सिंगल लाइन डायग्राम देखना है तो वो भी देख लीजिए। सपोज़ ये हमारा जनरेटिंग स्टेशन है या अल्टरनेटर जो बिजली बनेगी हमारी 11 KV, और ये है हमारा बस बार। और बस बार हम जानते हैं कि कापर या एल्युमिनियम का बना सकते हैं, और हालो टाइप बनाते हैं हम लोग ताकि कूलिंग वूलिंग मिल सके। और ये देखिए हमारा ये है ट्रांसफार्मर, और यहाँ पे हम लोगों ने हमने एक SCR लगाया है कन्वर्टिंग, और ये मीडियम है हमारा पूरा, और इसको हम लोग पूरा बोल देंगे एक कन्वर्टिंग या फिर कन्वर्टिंग स्टेशन बोल दें, या मतलब इसका एक नाम हो जाएगा। इस ये पूरा एक सब स्टेशन होगा, कन्वर्टिंग सब स्टेशन या कन्वर्टिंग वन। और इसी तरीके ये बीच का जो मीडियम होगा वो हमारा ट्रांसमिशन लाइन होगा, और इसी तरीके हमारा यहाँ पे एक हो जाएगा ऐसे, और समथिंग सी ऐसे हो जाएगा। और ये देखिए ये बस बार है, और ये हमारा सेकेंडरी टर्मिनल है डीसी सिस्टम का। और देखिए ये है ट्रांसफार्मर, और ये ट्रांसफार्मर है, और ये है रेक्टिफायर, ये है रेक्टिफायर है हमारा। और रेक्टिफायर हमने बताया कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, और यहाँ पे हाई वोल्टेज की डीसी ट्रांसमिशन लाइन में जाएगी। और ये देखिए इन्वर्टर है, और ये हमारा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर था जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये स्टेप अप है और ये स्टेप डाउन, इसी तरीके ये भी स्टेप अप होगा और ये स्टेप डाउन होगा। और ये हमारा रेक्टिफायर है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके इस पूरे ट्रांसमिशन लाइन में बस डीसी होगा और डीसी को ट्रांसमिट करेगा। और यहाँ पे इन्वर्टर यूज़ किया गया है, ये एसी ये जो होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा इन्वर्टर, और एसी का यूज़ हम लोग स्टेप डाउन करके कंज्यूमर के टर्मिनल को दे देंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे रेक्टिफायर और इन्वर्टर का जो डिटेल्स है देख लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि इन्वर्टर क्या करता है या फिर रेक्टिफायर क्या करता है। तो बेसिकली यही है। और यहाँ पे देखिए हाई वोल्टेज डीसी का एक एडवांटेज यहाँ पे ये यह है कि जो सेंडिंग एंड साइड का वोल्टेज है और रिसीविंग एंड साइड का वोल्टेज है ये बीच में थोड़ा सा इक्वल होता है, लॉसेस ना होने के कारण जो आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो होता है वो यूनिटी मिलता है या फिर 100% मिलता है। और हाई वोल्टेज डीसी का यूज़ करने से हमारे जो लॉसेस होते हैं वो हमारे लॉसेस कम होंगे, और जो ओवरऑल इफिशियंसी है पूरे सिस्टम की वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये बेसिकली सिंगल लाइन डायग्राम है हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन का। तो कई सारे मेथड यूज़ होते हैं हमारे, बेसिकली तीन मेथड हैं, तो उन मेथड को हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा एसी और डीसी का कंपेयर कर लेते हैं और फिर एडवांटेज देख लेते हैं कि ये हमारे लिए क्या क्या एडवांटेज दे सकता है और क्या डिसएडवांटेज दे सकता है ये। तो बेसिकली हमने पहला जो हाई वोल्टेज डीसी का वर्क देख लिया है। अब दूसरा हेडिंग इसका है इकोनॉमिक डिस्टेंस की हम बात करेंगे कि हमारे डिस्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा एसी और डीसी का यूज़ करने पे। तो दूसरा हेडिंग है हमारा इकोनॉमिक डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम एसी और डीसी, हमारे पास दो सप्लाई होती हैं, और अभी हम कास्ट की बात करते हैं। सपोज़ ये हमारा कास्ट है और ये हमारा डिस्टेंस है। तो सपोज़ हम क्या करते हैं कि एसी जो होती है हमारा वेरिएबल पॉइंट होता है, तो एसी को थोड़ा सा हम ऊपर से रिप्रेजेंट करेंगे, और थोड़ा सा डीसी जो होता है ये डीसी की लाइन है, और डीसी हम जानते हैं कि जो होता है दूरी के साथ, जैसे देखिए यहाँ पे डीसी में क्या है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है ये डिस्टेंस है हमारा, और डीसी जैसे जैसे डीसी दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे डीसी की जो वैल्यू है वो फिक्स है, और जो कास्ट है वो भी फिक्स है। लेकिन ये लाइन जो है एसी है, और एसी के केस में हमने देखा कि जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे कास्ट बढ़ रही है।
बेसिकली आप यहाँ से बता सकते हैं कि डीसी हमारे लिए इकोनॉमिकल है क्योंकि वो दूरी पे इंडिपेंडेंट है, क्योंकि दूरी के बढ़ने के साथ साथ उसका ओवरऑल जो कास्ट है वो बढ़ नहीं रहा है, फिक्स है। लेकिन एसी में क्या है, वेरी हो रहा है। लेकिन बेसिकली देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। सपोज़ देखिए ये एसी की लाइन है और ये डीसी की लाइन है और इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रही हैं, तो मतलब कि ये जो दूरी है, ये सपोज़ ये D1 ले लीजिए या फिर कुछ भी, ये D1 दूरी है। इस D1 ये जो दूरी है, मतलब जिस पॉइंट पे मतलब कट हो रहे हैं एसी और डीसी की जो लाइन, तो ये वाली जो दूरी है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन डिस्टेंस। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ब्रेक इवन डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस होती है स्पेशली अगर हम लोग ओवरहेड की बात करते हैं, ओवरहेड के केस में ये 500 किलोमीटर से लेके 800 किलोमीटर की डिस्टेंस हो सकती है ये हमारी, और अंडरग्राउंड के लिए ये 40 किलोमीटर होती है। तो बेसिकली ये है क्या, ब्रेक इवन डिस्टेंस। तो ब्रेक इवन डिस्टेंस बेसिकली यही है कि ये जो दूरी है इस पे क्या होगा, एसी और डीसी की जो रिक्वायरमेंट है, मतलब कास्ट की अगर हम बात करते हैं दूरी के साथ, तो वो दोनों मतलब सेम है, इकोनॉमिकल है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। अगर एक स्पेशली मतलब एनालिसिस किया जाए तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन डिस्टेंस। तो इस पॉइंट पे एसी और डीसी का जो कास्ट होगा वो दोनों मतलब समान होगा और दोनों जो होगा वो इकोनॉमिकल होगा। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है हमारा कि एसी और डीसी के किस मैक्सिमम पॉइंट पे या फिर किस किलोमीटर के रेंज में जो हमारा होता है वो इकोनॉमिकल है या फिर उनकी जो कास्ट है वो सेम होती है। तो ध्यान दीजिए 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर के बीच की अगर दूरी है हमारी एसी और डीसी दोनों की, तो उस केस में क्या होगा, हमारा एसी और डीसी की जो कास्ट होगा ओवरऑल जो कास्ट होगा वो हमारा सेम होगा। लेकिन हमने अभी पीछे बताया था कि हाई वोल्टेज डीसी का यूज़ आप लोगों को कब करना है, जब हमारी लाइन जो है 600 किलोमीटर से ऊपर हो तभी हमारा इकोनॉमिकल होगा। तो यहाँ पे देखिए 500-800 के बीच का यूज़ किया जा रहा है, तो ये इकोनॉमिकल नहीं है हमारा एक तरीके से ये सिस्टम। हाँ ये बात सही है कि एसी और डीसी का जो कास्ट है सेम है, ऐसी बात ठीक है, लेकिन ये इकोनॉमिकल नहीं होगा क्योंकि 600 किलोमीटर से ऊपर होगा तभी हाई वोल्टेज डीसी का जो सिस्टम है वो इकोनॉमिकल होगा। तो इसे स्पेशली जो कास्ट और डिस्टेंस का बेसिकली डिफरेंस था ये हमारा एसी और डीसी में। और यदि हम पावर और डिस्टेंस की बात करते हैं कि पावर और डिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये पावर है और ये हमारा डिस्टेंस है। और तो देखिए स्पेशली डीसी जो होती है वो फिक्स होती है, और डीसी में क्या होता है कि पावर जो होता है वो फिक्स होगा दूरी के साथ, इसमें पावर का कोई मतलब वेरिएशन नहीं होगा। लेकिन एसी में क्या है कि एक पॉइंट तक जो है एसी जो है दूरी के साथ बढ़ने के साथ उसका जो पावर होगा वो फिक्स होगा एक इनिशियल पॉइंट तक, और इनिशियल पॉइंट मतलब कि 500 से 8 किलोमीटर तक की मतलब फिक्स होगा। लेकिन जैसे अगर इससे हम ऊपर जाते हैं 800 किलोमीटर से ऊपर, तो उस केस में जो एसी की जो ग्राफ है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगी। और इस ग्राफ से ये पता चलता है कि जैसे जैसे हमने दूरी बढ़ा दिया, यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हमने दूरी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो पावर है वो पावर क्या हो रहा है हमारा डाउन हो रहा है। तो देखिए ये दूरी हमने बढ़ा दिया तो पावर डाउन हुआ। तो बेसिकली यहाँ से आप बता सकते हैं कि डीसी हमारे लिए बहुत ही इकोनॉमिकल है क्योंकि हमें पावर का ही ट्रांसफ़र करना है। तो डीसी के केस में जो है पावर फिक्स है, लेकिन एसी के केस में पावर फिक्स नहीं है, तो हमारे लिए ओवरऑल एडवांटेज जो है डीसी है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन देख लीजिएगा जो बनना होगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इकोनॉमिकल डिस्टेंस की हमने बात कर ली कि किस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, दूरी के बढ़ाने के साथ कास्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और पावर के साथ क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं जो हाई वोल्टेज डीसी है वो हमारे लिए एडवांटेज क्या दे सकता है और डिसएडवांटेज क्या दे सकता है। हाई वोल्टेज डी जो इनका जो सिस्टम होता है तीन टाइप से, इसको हम लोग मतलब इसका सेंड होता है हमारा लिंक जो होता है हमारा डीसी को वो करने के लिए तीन टाइप के लिंक यूज़ करते हैं, तो उसको अभी हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। पहले यहाँ पर हम लोग हाई वोल्टेज डीसी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो भाई लोग बेसिकली हम लोग हाई वोल्टेज डीसी का एडवांटेज देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद डिसएडवांटेज की हम बात करेंगे। तो देखिए फार्मूला होता है जनरली पी बराबर V×I, वोल्ट बी जो है वोल्टेज है, करेंट है और ये कास फाई जो है पावर फैक्टर है हमारा। तो देखिए यहाँ से अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं, यानी I बराबर रिप्रेजेंट करते हैं
तो आई बराबर हो जाएगा पी अपान भी इंटू कास फाई हो जाएगा। और यहाँ से हमने देखा कि आई और भी का जो रिलेशन है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से ये बता सकते हैं कि यदि वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगा, मतलब हाई वोल्टेज यूज़ करेंगे, तो उसकी उस केस में जो करेंट होगी वो हमारी कम होगी। अब करेंट जब कम होगी तो उस केस में हमारा जो होगा एरिया जो होगा कंडक्टर का वो हमारा कम लगेगा। तो देख लेते हैं बेसिकली कैसे कैसे इफेक्ट पड़ेगा हमारा। पहला एडवांटेज की बात करते हैं तो देखिए ओवरऑल हमने देखा कि हाई वोल्टेज होता है तो उस केस में हमारा करंट जो होगा वो कम हो जाएगा। तो देखिए जब करंट कम हो जाएगी तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंडक्टर, कंडक्टर का एरिया कम लगेगा हमारा, क्योंकि कंडक्टर का एरिया जो होगा वो हमारा कम लगेगा। तो देखिए कैसे बता देंगे, कंडक्टर का जो एरिया होगा वो हमारा कम लगेगा और इसको हम लोग आर बराबर रो एल बाई ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए करंट कम है, करंट कम है तो जाहिर सी बात है कि रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि एरिया कम होगा। तो पहला निकल के ये आता है कि कंडक्टर जो होगा या फिर कंडक्टर का जो एरिया होगा वो कम होगा। तो कंडक्टर का एरिया कम होगा और दूसरा बात जो है जो कंडक्टर का रिक्वायरमेंट होगा, जैसे 1 या फिर 2 या फिर 3 जितने भी कंडक्टर यूज़ होते हैं वो, तो उनका नंबर ऑफ कंडक्टर भी कम होगा। एरिया के साथ साथ उसका जो रिक्वायरमेंट है 1 कंडक्टर 2 3 जितने भी हो, तो इसका भी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। और इसका रिक्वायरमेंट कम होगा फिर इंसुलेटर जो होता है हमारा, क्योंकि जितने ज़्यादा कंडक्टर होंगे उतने को टेक ओवर करने के लिए हमारे इंसुलेटर भी उतने लगाने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं इंसुलेटर का भी कास्ट क्या होगा, डाउन हो जाएगा, या मतलब नंबर ऑफ इंसुलेटर भी कम हो जाएंगे और ये नंबर ऑफ कंडक्टर भी कम हो जाएंगे और ये नंबर ऑफ इंसुलेटर भी कम हो जाएंगे। तो देखिए एरिया जो होता है वो तो कम हो ही गया और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कंडक्टर भी कम हो गए और नंबर ऑफ इंसुलेटर भी कम हो गए, तो ओवरऑल क्या होगा हमारा कास्ट क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा हाई वोल्टेज और डीसी यूज़ करने से। तो पहला बेनिफिट हमारा ये हुआ। दूसरा अगर हम बेनिफिट की बात करते हैं तो देखिए फेज़ टू फेज़, मतलब फेज़ टू फेज़ या फिर लाइन टू लाइन बोलिए, या फिर फेज़ टू न्यूट्रल या फिर लाइन टू न्यूट्रल, तो हम जो क्लियरेंस होता है मतलब इन दोनों के बीच का हम लोग क्लियरेंस रखते हैं, जाहिर सी बात है कि अंडरग्राउंड से हम लोग क्लियरेंस रखते हैं 132 kV के लिए, नॉर्मली 36 या 32 के लगभग रखते हैं हम लोग। तो देखिए इस केस में अगर हाई वोल्टेज डीसी भी यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे भी क्लियरेंस रखना पड़ेगा। तो देखिए फेज़ टू फेज़ हो या फिर फेज़ टू न्यूट्रल हो तो उस केस में जो क्लियरेंस होगा वो हमारा बहुत ही कम लगेगा। तो दूसरा हमारा एडवांटेज है कि क्लियरेंस कम हो जाएगा। अब क्लियरेंस जैसे ही कम होगा तो उस केस में जो हमारा टावर की जो हाइट है वो भी थोड़ा सा मतलब कम होगी, और टावर की हाइट जैसे कम होगी तो मटेरियल हमारा कम लगेगा और बहुत सारे रिक्वायरमेंट जो होंगे हमारे वेरिएबल होंगे और बहुत सारे चीज़ें हमारी कम होंगी। तो दूसरा बेनिफिट हमारा ये है। तीसरा बेनिफिट है कि टावर जो होगा हमारा वो लेस कॉस्टली होगा, मतलब हमारा अगर टावर सस्ते पे ही काम चल जाएगा, मतलब ज़्यादा महंगा टावर नहीं चाहिए। अब इसका रिक्वायरमेंट ये है कि नंबर ऑफ कंडक्टर जैसे ही कम हो जाएंगे तो उस केस में जो मतलब कंडक्टर को पकड़े रहने के लिए जो हमारा टावर होगा, अगर नॉर्मल भी टावर है तो वो चल जाएगा, हैवी टावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ कंडक्टर और इंसुलेटर भी कम हो गए, तो उस केस में टावर जो होगा वो हमारा लेस कॉस्टली हो जाएगा। और चौथा एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो कोरोना का जो लॉस होता है हमारा हाई वोल्टेज डीसी यूज़ करने से, कोरोना का लॉस जो हमारा डाउन हो जाएगा। पांचवा रिक्वायरमेंट हम बात करेंगे आई स्क्वायर आर का जो हीट का लॉस होता है वो हमारा डाउन हो जाएगा, या फिर पावर का जो लॉस होता है वो भी हमारा डाउन हो जाएगा। और क्यों डाउन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कंडक्टर हमारे कम हो गए। पहले 4 या 5 कंडक्टर यूज होते थे एसी में, नॉर्मली 3 या 6 यूज़ होता है सिंगल सर्किट एज़ कम्पेयर टू मल्टी सर्किट, जैसा भी यूज़ कर लें आप लोग। तो डीसी यूज़ करने से कहीं ना कहीं कंडक्टर कम हो जाएंगे, और कंडक्टर कम हो गए तो कहीं ना कहीं आई स्क्वायर आर का लॉस जो होगा कम हो जाएगा। तो पांचवा एडवांटेज है। छठवां एडवांटेज की हम सबसे बात करते हैं, छठवां एडवांटेज में क्या है हमारा कि इसमें जो होता है हाई वोल्टेज डीसी जो यूज़ करते हैं हम लोग, तो इसका अभी हमने एक ग्राफ बताया था, और फिजिक बेसिकली देख लीजिए,
थोड़ा सा एडवांटेज देख लीजिए, अभी हम टाइप आप लिंक पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि एक सिस्टम होता है, बेसिकली देख लीजिए ये हमारा ये जनरेटिंग स्टेशन होता है और यहाँ पे इन्वर्टर होता है, नहीं यहाँ पे रेक्टिफायर होता है और बीच में ट्रांसमिशन लाइन होती है और यहाँ पे इन्वर्टर होता है और बेसिकली यहाँ पे कंज्यूमर को मिल जाता है। और यहाँ पे जो हमारे होते हैं ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं और ट्रांसफार्मर जो होता है वो ग्राउंडेड होता है। ये हमारा मोनोपोलर बाईपोलर मतलब यूज़ होते हैं, तीन पैरामीटर यूज़ होते हैं। तो वहाँ से अभी मैं आपको बताऊँगा कि किसके लिए एक कंडक्टर यूज़ होता है, किसके लिए दो, किसके लिए तीन, मतलब क्या है वहाँ के रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली आप एडवांटेज देख लीजिए, ये चीज़ वहाँ पर अभी समझ में आ जाएगा। तो देखिए हाई वोल्टेज डीसी में जो रिटर्निंग होता है, मतलब करंट, हम जानते हैं कि एक कंडक्टर यूज़ होता है पॉजिटिव कंडक्टर, और रिटर्निंग के लिए हम लोग अर्थ यूज़ करते हैं। मतलब करंट जो होगा रिटर्न कैसे होगा, अर्थ के थ्रू मतलब रिटर्न होगा। तो उस केस में हमारा जो करंट होगा वो अर्थ के थ्रू रिटर्न होगा, और जैसे ही हमारे किसी सर्किट में अगर फॉल्ट होती है तो उस केस में क्या होगा, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगी, और ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगी तो उस केस में हमारा रिटर्निंग जो था वो अर्थ से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं करंट जो होगी वो सर्किट में ना जाके वो अपनी पाथ कहाँ से कंप्लीट करेगी, अर्थ से। तो उस केस में हमारा जो सिस्टम होगा या जो उपकरण यूज़ किया जा रहा होगा वो हमारा सेल्फ प्रोटेक्टेड हो जाएगा, या फिर हम उसको बोल देंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, मतलब ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन मिल गया, क्योंकि उसका जो रिटर्निंग पाथ है वो अर्थ से है। सपोज़ ये कंडक्टर है और रिटर्निंग पाथ भी अगर कंडक्टर ही हो तो हमारे यहाँ पे उपकरण जुड़े होंगे या चाहे यहाँ पे, तो इस केस में अगर इस सिस्टम में कोई फॉल्ट होता है तो हमारे उपकरण जो होंगे वो डैमेज हो जाएंगे। लेकिन यदि हमारे यहाँ पे मतलब सिंगल कंडक्टर यूज़ है और रिटर्निंग के लिए हमने ग्राउंड यूज़ किया है, तो जानते ही हैं कि अर्थ को जितना भी करेंट देंगे उतना ले सकता है। तो बेसिकली ये इस चीज़ को आप बाद में समझ लेंगे, लेकिन यहाँ पे समझिए कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और जो फॉल्ट होगा वो हमारा इंडिपेंडेंट होगा। किसी भी सर्किट में अगर फॉल्ट होता है तो इंडिपेंडेंट होगा, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेल्फ प्रोटेक्टेड होगा। छठवां बेनिफिट था हमारा ये। सातवां बेनिफिट की बात करेंगे तो हाई वोल्टेज डीसी में, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे डीसी का सिस्टम यूज हुआ है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होती है वो जीरो के बराबर होती है या फिर फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है। तो इस केस में जो स्किन इफेक्ट होगा या फिर हमारा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होगा, वो दो ये दोनों जो इफेक्ट हैं आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए, या फिर ये एक तरीके से लॉस है, तो ये दोनों लॉस भी आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो ये हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है सातवां। अब आठवां अगर हम बात करते हैं तो देखिए हमारे यहाँ पे हाई वोल्टेज डीसी यूज़ किया गया है, तो हाई वोल्टेज डीसी जो होता है ये नहीं तो एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर को ना ही तो जनरेट करते हैं और ना ही एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये भी एक तरीके का लॉस ही है, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। तो ये जो होता है नॉट जनरेट या फिर एब्जॉर्ब एनी रिएक्टिव पावर, मतलब किसी भी रिएक्टिव पावर को ना ही जनरेट करते हैं और ना ही एब्जॉर्ब करते हैं, और रिएक्टिव पावर भी एक तरीके का लॉस ही है। तो ओवरऑल हमारा यही एडवांटेज है, और जैसा कि बहुत सारी चीज़ें आप देख ही लिए कि मटेरियल सेविंग हो गया, हमारा कंडक्टर सेविंग हो गया, पावर लॉस कम हो गया, हाई एफिशिएंसी हो गया, फिर लो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, कई सारे एडवांटेज यहाँ पर देख लीजिएगा। और बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही है हर साल। तो हमारा ये ओवरऑल एडवांटेज था। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं, देखिए डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो पहला डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे, देखिए ये हमारा हम जानते हैं कि हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में कन्वर्टर और इन्वर्टर यूज करते हैं दोनों साइड, इधर भी यूज किया गया है और इधर भी, मतलब सेंडिंग साइड और रिसीविंग साइड दोनों साइड यूज करते हैं हम लोग कन्वर्टर और इन्वर्टर। तो कन्वर्टर और इन्वर्टर दोनों साइड यूज़ करने से जो ओवरऑल कास्ट होता है ना वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये हमारा पहला डिसएडवांटेज होता है हाई वोल्टेज डीसी के लिए, सबसे मतलब पहला डिसएडवांटेज। अब दूसरा अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो देखिए कन्वर्टर और इन्वर्टर जो होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में कन्वर्ट, मतलब दोनों एसी को डीसी या फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस केस में कहीं ना कहीं हार्मोनिक्स डेवलप हो जाएगा, और हार्मोनिक्स डेवलप हो जाएगा तो इस केस में हमारा प्योर जो है ए प्योर डीसी नहीं मिलेगा। तो प्योर डीसी नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमारे सर्किट के लिए अन इकोनॉमिकल हो जाएगा। तो उस केस में इस हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए हम लोग फिल्टर यूज़ करेंगे,
और फिल्टर यूज़ करेंगे तो अलग से एक मतलब उपकरण यूज़ हो गया हमारा फिल्टर, तो ओवरऑल इसका भी कास्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने बिना फालतू के एसी और डीसी को कन्वर्ट किया तो हारमोनिक्स डेवलप हो गया, और इस हारमोनिक्स को ख़त्म करने के लिए हमने फिल्टर यूज़ किया तो ओवरऑल कास्ट क्या हो गया, फिर से इंक्रीज हो गया। अब थर्ड हम बात करते हैं, थर्ड अगर हम बात करते हैं तो इस केस में हाई वोल्टेज की डीसी ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसफार्मर नहीं यूज़ होता है, मतलब नॉट ट्रांसफार्मर यूज़, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो वोल्टेज का लेवल है या फिर मतलब ये हम जैसे जानते हैं कि स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग एसीआर के थ्रू ही मतलब वोल्टेज के लेवल को डाउन कर देते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं यूज़ होता है वोल्टेज के लेवल में, थोड़ा सा ये भी डिसएडवांटेज हो जाता है हमारा। हालांकि ये हर वो नहीं है, बेसिकली यूज़ होता है ट्रांसफार्मर, क्योंकि इन्वर्टर जब कन्वर्ट करता है डीसी को एसी में तो एसी को हम लोग डाउन कर लेते हैं ट्रांसफार्मर से, लेकिन ये थोड़ा सा लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया के लिए होता है, लेकिन बेसिकली अगर छोटे की हम बात करें तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। वहाँ पे वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए हमारे थायरिस्टर फैमिली के कई सारे पैरामीटर हैं उनको यूज़ करते हैं, तो ये हमारा डिसएडवांटेज हो जाता है हमारा। तो बेसिकली भाई लोग यही था हाई वोल्टेज डीसी और हाई वोल्टेज एसी का, हालांकि एक अलग से कंपेयर वीडियो बनाऊंगा हाई वोल्टेज एसी और हाई वोल्टेज डीसी का। तो बेसिकली ये हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन का ही पूरा पैरामीटर था, तो यहाँ पे बेसिकली हमने देखा कि कैसे हम लोग ट्रांसमिट करते हैं पावर को और कैसे ये हमारे डिस्टेंस पे इफेक्ट डालेगा, दूरी के साथ क्या इफेक्ट होगा, और इसका क्या एडवांटेज था और क्या डिसएडवांटेज था, तो पूरा कंप्लीट था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हाई वोल्टेज डीसी को किस टाइप से हम लोग मतलब एक एक प्लेस से अदर प्लेस तक ट्रांसफ़र करेंगे और क्या क्या लिंक यूज़ करते हैं। तीन लिंक यूज़ करते हैं हम लोग, मोनोपोलर, बाईपोलर और होमोपोलर। तो बेसिकली कौन यूज़ होता है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।